मित्रों कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे नवंबर माह के करंट अफेयर पार्ट वन। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर माह के ये लगभग 10 दिनों के करंट अफेयर हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का जो है नवा स्थान रहा ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में। और इसके पैरेलल में पिछले महीने के कुछ करंट अफेयर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बताए जा चुके हैं, उसे देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान रहा। हाल ही में जारी शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 21 में भारत का स्थान जो रहा है वो 87 स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? दक्षिण कोरिया ने जो है सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया के बारे में हम कुछ जानते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, और ये मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन, और राष्ट्रपति मून जे इन प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश अपना भारत बना। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। कुछ डेट्स हम देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर जो है उस विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ में हम और अक्टूबर के कुछ तिथियों को देख लेते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व मानव दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ऊर्जा दक्षता हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक जो है ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य है। ठीक है, इसके साथ कुछ जुड़े हुए तथ्य पिछले महीने के। सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान पर रहने वाला भारतीय राज्य केरल। ई पंचायत पुरस्कार पाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है मित्र, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ जानते हैं। उपराज्यपाल वहां के मनोज सिन्हा हैं। भारत का 100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला गांव वेयान है जो कि जम्मू कश्मीर का है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है माव्या सुदान। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेल्पलाइन स्कूल का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ गया, दक्षिण रेलवे की पहली IMS सर्टिफाइड ट्रेन बन गई है, कौन सी बनी है? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा जिसे सौर पैनलों के माध्यम से
100% दिन की ऊर्जा मिलेगी चेन्नई सेंट्रल। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ई राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में G20 सम्मेलन 2022 को किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई? इंडोनेशिया में। इसके साथ जुड़े तथ्य हम देख लेते हैं, G20 2021 का जो सम्मेलन है वो इटली में हुआ और 23 का जो मेजबानी वाला देश है भारत। हाल ही में किस राज्य ने डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करने का निर्णय लिया? ये राज्य है गुजरात। भारत सरकार ने कब पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया? नवंबर 2021। हाल ही में किस देश में संघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया गया? रूस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वैक्स, VAX, वैक्स। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 में जो है क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड चूज किया गया। ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है वो आत्मनिर्भरता चुना गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शब्द को बैन कर दिया? गोरख धंधा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? मित्र, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बन गई है। कुछ जुड़े तथ्य हैं इससे पिछले महीने के, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD नियुक्त किया गया? निरपेल सिंह। किस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? टाटा AIA Life। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी कौन सी बनी है? HDFC बैंक। किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र चालू किया गया? टाटा स्टील। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क 100% छूट देने की घोषणा की है? उड़ीसा ने छूट दी है। और कुछ फैक्ट, हाल ही में किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की? उड़ीसा। किस राज्य ने राज्य में ड्राई राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? उड़ीसा। हाल ही में केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया? उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के कुछ के बारे में कुछ तथ्य हम देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। किस राज्य ने अंचल का पहला त्यौहार हरेली मनाया? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारम्भ किया? छत्तीसगढ़। और किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस हाल ही में किसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग पर एक पुस्तक लिखी गई? तो अमित रंजन जी के द्वारा। कुछ और पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं पिछले महीने के जो हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स का विमोचन किया गया? V.S. श्रीनिवासन के द्वारा। किसकी पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक को जारी किया गया? दिव्या दत्ता की पुस्तक। हाल ही में किसके द्वारा एक्चुअली आई मेट देम अ मेमायर शीर्षक नाम से किताब लिखी गई? गुलजार जी के द्वारा। हाल ही में किसने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया? रजनीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, रिसेंटली किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? डेमन गलगुड ने जीता है। इससे कुछ जुड़े फैक्ट हैं, हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है देवोज्योति मिश्रा ने। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार दिया गया? शैलेंद्र सिंह ने, शैलेंद्र सिंह को। हाल ही में किसे एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? पावर ग्रिड। किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया? आयान संकटा। और कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं,
फैक्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, तिल दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार दिया गया? सूरत को दिया गया। और कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर आने वाले तूफान साहिन नाम का चक्रवात जो है वो कतर देश ने दिया। स्मार्ट सिटीज 2020 के संयुक्त विजेता शहर बने हैं इंदौर सूरत, ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया गया है केवड़िया गुजरात, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुछ डेट्स हम देख लेंगे यहाँ इम्पॉर्टेंट हैं, कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु सुरक्षा दिवस 7 नवंबर और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफार्म ने टोकन सॉल्यूशन सेफ कार्ड लॉन्च किया? फोनपे ने लॉन्च किया। फोनपे के बारे में जान लेते हैं, सीईओ है समीर निगम, फोनपे का मुख्यालय है कर्नाटक बंगलोर। हाल ही में किस अभिनेता को फ्लूबिज नियोबैंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मनोज वाजपेयी। और हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 59वां। हाल ही में किस बैंक के द्वारा 6S अभियान शुरू किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी पुस्तक नॉन जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्ट्स जर्नी को 21 दिसंबर में रिलीज किया जाएगा? प्रदीप पत्रिका के द्वारा। और कुछ और इससे जुड़े फैक्ट, किसके द्वारा लिखित द सेज विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक का विमोचन किया गया? सुधा मूर्ति। और किसके द्वारा लिखित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक है? भास्कर चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। किसके द्वारा एन इकोनोमिस्ट एट होम एट ब्रांड अ ब्रांड अ पर्सनल जर्नी जो है नामक नई पुस्तक लिखी गई? शंकर आचार्य जी के द्वारा। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाते हुए स्मारक £5 के सिक्के का अनावरण किया? तो £5 के सिक्के का जो अनावरण है वो यूनाइटेड किंगडम ने किया। और कुछ जुड़े तथ्य इससे देख लेते हैं, COP13 की बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात। किस भारतीय को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया? महात्मा गांधी। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापना करने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया? 75 रुपये का। हमारा अगला प्रश्न आ गया, किस महिला पर्वतारोही को 2020 का तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाएगा? प्रियंका मोहिते को। कुछ जुड़े तथ्य इससे, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन? पुनीता यादव। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली भारत की सबसे युवा पर्वतारोही ऋतिका श्री और दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते। और कुछ यहाँ दिवस हम देख लेते हैं, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को, विश्व उपयोगिता दिवस 11 नवंबर को, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, और विश्व दया दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को, और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। चीन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, मुद्रा है रनमिनबी,
राष्ट्रपति सी जिनपिंग और राजधानी बीजिंग। हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट सीजियान 21 लॉन्च किया? चीन ने। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास जो है ये चीन और भारत के बीच होता है। भारत ने चीन की सीमा पर निगरानी रखने के लिए किस देश से हरान ड्रोन खरीदा? इजराइल से खरीदा। ठीक है, तो ये थे नवंबर माह के पार्ट वन का करंट अफेयर। 3 पार्ट और आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।